शुरू शुरू में थोड़ा डर भी लगा था कि हमने चैलेंज उठाया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम था और ब्रास बैंड बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए खासकर। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस लाइव। 26 जनवरी महज एक तारीख नहीं है, ये इतिहास का वो झरोखा है जिसकी याद आज भी आती है। हमने संविधान अपने लिए, खुद से खुद के लिए चुना था और आज उसी संविधान की रक्षा के लिए महज हर साल आता है और हर साल हम बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। लेकिन हमें महफूज रखने की जिम्मेदारी इन्हीं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वर्दीधारी, इनके कंधों पर है। और आज यही जो आपने कर्तव्य पथ पर परेड देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी और उन सब के सामने कर्तव्य पथ पर परेड पे ये महिला जवान थे जिन्होंने वहाँ हमें धुन सुनाई। ये सभी लोग आपको दिखे थे, लेकिन आज जो कर्तव्य पथ पर झांकी देखी, जो परेड रैली देखी आपने, उसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी कहानी होती है। बहुत महीनों से ये रिहर्सल कर रहे थे, आज इन्हीं से जानेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे कि आखिर वो संघर्ष इनका क्या रहा। क्या नाम है आपका? सर करिश्मा शर्मा। कहाँ से आती हैं आप? सर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। कितना वक्त लगा आपको ये सब सीखने में और उसके बाद आज जो आपने इसको पेश किया? सर 3 मंथ से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और अभी जो आज परफॉर्मेंस किया वो 3 मंथ की हमारी ट्रेनिंग है। 3 महीनों में आपने ये सब कुछ सीख लिया। इन 3 महीनों के दौरान कभी ऐसा भी, मतलब आप, घर आपका कहाँ है? सर मैं आसाम से हूँ। आसाम से हो आप, यहाँ कब से रिहर्सल के लिए आ गए थे? सर हम सेप्टेम्बर से हैं। सेप्टेम्बर से आप यहाँ पे हो। घर परिवार को छोड़ना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबके लिए होता है, आपने कब छोड़ दिया? सर हम तो डायरेक्ट ट्रेनिंग से आए थे तो उससे पहले हम छोड़ के आए। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। मैरिड हैं आप? नहीं, अनमैरिड है। अच्छा, आपकी टुकड़ी में मैरिड लोग भी? हाँ, मैरिड भी है, अनमैरिड भी है और मदर भी है। एक बहुत सी जो लड़कियां हैं, जब आप लोगों को देखती हैं, आज कर्तव्य पथ पर देखा और उसके बाद ये देखेंगी, तो उनके अंदर भी एक जोश आता है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तो वो कैसे आ पाएं? क्या इसके लिए करना पड़ता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, कैसे सीआईसी? पहले तो रिटर्न का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर फिजिकली फिट होना चाहिए और मेंटली भी फिट है तो आ सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर भानुप्रिया। आप कहाँ से आती हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। जी सर। कब आ गई थी आप? सर ये सितंबर से यहाँ से आए। आज जब आपने अपना प्रदर्शन किया वहाँ पे, उसके बाद क्या कुछ किया? सर 3 महीने में ब्रास बैंड तो मुश्किल था बनाना, फिर भी हम सालों के सफर से बन पाया और इसी वजह से आज हम मतलब कर्तव्य पथ में अपना परफॉर्मेंस दे पाए। आपका क्या नाम है? सिंधुश्री से। कहाँ से आती हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्रा से हैं आप। क्या कहना चाहेंगे? सर पूरा कर्तव्य पथ पर रही, आज पूरा 26 जनवरी मनाया और उसके बाद यहाँ आई है, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर पहली बार नॉर्थ इंडिया में आया, पहले वेदर कंडीशन ठीक नहीं लगा मेरे को, लेकिन एक ही विश्वास है, परिस्थिति से कभी डरना नहीं है, मनस्थिति अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी काम है ना अच्छा कर सकते हो इधर। और टीवी से देखने, फ्रॉम वॉचिंग टीवी टू प्रेजेंटिंग लाइव हियर इज वेरी हैप्पी फॉर अस। तो परिस्थिति से कभी डरना नहीं है, लेकिन ये डरने की ना वजह किसने सिखाई है इनको, वो हम बात करेंगे हमारे जो इनको सिखाया है जिन्होंने, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर हाँ बोलिए। क्या नाम है आपको सर? मेरा नाम मेजर हुसैन। तो आज आपने जो देखा है, जो बैंड अभी देखा, उसके पीछे का पूरा जो सिखाने की कोशिश रही वो सर की रही, कैसे सर होता है ये? इसके लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी डायरेक्टर जनरल CSF ने दी थी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने पूरा किया, बट उतना अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये बैंड, मैं चाहता हूँ कि ये सिम्फनी बैंड बने, एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बने। ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इसकी टेक्निक हमें देनी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी मुझे हैरानगी की बात है कि इन्होंने कैसे अडॉप्ट किया उस चीज़ को, मेरी टेक्निक को, जो कि नहीं हो सकती थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। 3 मंथ में 18 सितंबर को शुरू हुआ था ये चीज़, और ये न्यू कमर हैं, बिल्कुल नई लड़कियाँ, एंड पास आउट होकर के आई थी। इसकी सिलेक्शन मैंने और DIG मलिक साहब ने की, तो करीबन हमें उस सिलेक्शन में करीब 1 हफ्ता लगा था। तो ऐसे वक्त में सर कुछ परेशानियाँ भी, अच्छा ये तो सब बताते, कुछ परेशानियाँ आपको ऐसी आई बीच में कि कैसे? परेशानियाँ आने का सवाल ही नहीं, मैंने दुनिया से आपको लगा ये सही से सीख नहीं पा रहे या कैसे? नहीं नहीं, वो तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ जो टीम थी, जो मैंने सेलेक्ट की थी टीम, मेरे इंस्ट्रक्टर
जो थे वो यहीं पर खड़े हैं, तो वो इनके साथ थे, जो मैं गाइड करता था वो इनको गाइड आगे ले जाते थे। हमारे साथ DIG साहब भी हैं जो पूरी इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। सर स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। शुक्रिया। इन सबको तराशने का काम पूरा आपके पास है? तराशने का काम हम दोनों का था, मेजर साहब का और मेरा। टेक्निकली वो गुरु है, बट मैं एक सूत्रधार के रूप में परफॉर्म किया, लेकिन मुझे विश्वास ये था कि कर पाएंगे। शुरू शुरू में थोड़ा डर भी लगा था कि हमने चैलेंज उठाया, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम था और ब्रास बैंड बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए खासकर। और जब शुरू में जब हम इनको हमने देखा, थोड़ी सी विश्वास हुआ कि ये कर पाएंगे। फिर मेजर साहब का भी भरोसा रहा और बैकअप जो हमारी ताकत, हमारी पहली महिला मुखिया CISF की, फर्स्ट वुमेन DG ऑफ CISF, हमारी महानिदेशक महोदया मिसेस नीना सिंह, उनकी पूरी ताकत, पूरी बैकिंग थी, तब हम ये कर पाए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, जितने ड्रेस देख रहे हैं और जो तालीम है और जो एक कोहेशन देख रहे हैं, इकट्ठा सारे खड़े हैं, इकट्ठा बजा रहे हैं इकट्ठा, और कितनी सैक्रिफाइस इन लोगों ने किया। रात को 2-2 बजे तक अकेले ये लोग प्रैक्टिस करते थे, रात को कभी जाके कोई देखे। और अभी जब से कर्तव्य पथ पे जाना शुरू हुआ है, 2:30 बजे निकलते थे कर्तव्य पथ के लिए। तो ये सैक्रिफाइस आप देखिए, इतनी कड़ाके के सर्दी में सब छोड़ छाड़ के घर गए नहीं, सितंबर के महीने से घर नहीं गए। सो ये सैक्रिफाइस, इनकी मेहनत इनकी, और हमारे मजिशियन कंडक्टर मेजर हुसैन है, मैं बस सूत्रधार रहा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे और आप सबके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। तो ये सारे लोग थे जिनकी वजह से आज हम ये सब देख रहे हैं, हम महफूज हैं, हमारा वतन महफूज है। इन्हीं सब के लिए अब इस पर आपकी क्या राय है, इनके जो संघर्ष है उस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस में।